इस वीडियो में आज हम बात करने वाले एक ऐसे गेम के बारे में जो कि 2022 की बेहतरीन से बेहतरीन गेम में शुमार होता है, जो कि पबजी को टक्कर देने के लिए एक नई गेम मार्केट में आ चुकी है जिसका नाम है एपेक्स लेजेंड। ये गेम 2022 की एक ऐसी गेम है जो मार्केट में अभी लॉन्च की गई है और देखा जा रहा है कि इसके फॉलोअर पबजी से भी तेज़ हैं और देखा जा रहा है कि इसके डाउनलोडिंग पबजी से भी ज़्यादा है, क्योंकि चंद दिन पहले ही जो प्ले स्टोर पर अपडेट होने वाले गेम एपेक्स लेजेंड जिसके डाउनलोडर 10 मिलियन से प्लस हो चुके हैं, इतनी जल्दी किसी भी गेम के कोई भी डाउनलोडर नहीं बने जो कि एपेक्स लेजेंड ने 2022 में कर दिखाया है। ये गेम की ग्राफिक कुछ पबजी से मिलती जुलती है। गाइस, आपको यकीन नहीं होगा, कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी को मिलाकर इन्होंने एक गेम तैयार किया है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि इसकी स्किन कुछ कॉल ऑफ ड्यूटी से मिलती जुलती है। बहुत सारा अपडेट इसके अंदर आया हुआ है, मेथक सूट है और अदरवाइज चीज़ें हैं जैसे गन की स्किन हो गई है। हालांकि इसके अंदर एक रॉयल पास भी है जो कि आपको परचेस करना पड़ेगा बोनस के नाम से। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस गेम की पूरी रिव्यू और देखेंगे कि इस गेम के अंदर कौन कौन सी नई अपडेट आई है और इस गेम को खेलने का मज़ा भी देखेंगे। ये गेम 2022 की बेहतरीन ग्राफिक गेम में शुमार होता है। ये गेम 3.5 GB की गेम है, हालांकि पबजी भी इतना बड़ा गेम नहीं आया। अब देखना ये है कि ये गेम है कैसे, चलने में कैसा है, स्मूथ है या नहीं है और इसकी क्वालिटीज़ वगैरह सब रिव्यू करने वाले हैं हम। तो आए देखते हैं इस गेम को शुरू करके कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी सहूलियत दी गई है, कौन कौन से पास दिए गए और क्या क्या मिलता है, कैसे इमोट आए हैं इसके अंदर, कैसे मैप है और अदरवाइज जो चीज़ें भी हैं। एक बार फिर इसको पबजी से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि ये पबजी का टक्कर ले सकता है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गेम के अंदर। अब हम गेम के अंदर आ चुके हैं तो सबसे पहले इसकी सेटिंग देख लेते हैं। ये सेटिंग है इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट की, जो हमें पबजी में भी देखने को मिली है और इसके अंदर भी। इसके अंदर हमें एक फ्रेम टैग भी मिल चुका है जो कि हम अपने फ्रेम पे लगा सकते हैं, तो इसे क्लिक कर लेते हैं जल्दी से। और ये मैंने क्लिक कर लिया है। अब चलते हैं इसके अगले सेटिंग में जाने और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है। ये इसकी करेक्टर है जिसका नाम है, इन्होंने इसके अंदर लेजेंड रखा है। इसमें 3 लेजेंड्स हैं मेरे पास और अदरवाइज चीज़ें कलेक्ट करने के लिए मिली हैं मुझे बहुत सारी, क्योंकि ये गेम नहीं है तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं हो सकी है। अब चेक कर लेते इसके ग्राफिक वगैरह, इसकी चीज़ें वगैरह। तो बेसिक चीज़ों में तो कुछ भी नहीं है, ऑटो फायर वगैरह है, लेफ्ट फ्रंट बटन है और ऑटो फोकस वगैरह खैर से छोड़ देते हैं, ये इतना काम का नहीं है हमारे। फिर भी देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। SDA मोड, SDA बटन, चले ये कोई इतना काम का नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। तो हम ग्राफिक में आ गए हैं और देख लेते हैं सबसे पहले चीज़ें क्या क्या है। पिकअप है, पिंक है, मोवेंट है, ओविंड है, कलर्स, कंट्रोलर्स में हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अंदर ग्राफिक भी दी गई है। खैर इसके अंदर ग्राफिक तो नहीं है यार, वो सॉरी गलती से निकल गया इसलिए गुस्से में इधर उधर हो जाता है। खैर एक बार नहीं, ऑप्शन वगैरह भी है। वैसे ही पबजी के अंदर जो 3 ऑप्शन दिया जाता है हैंड सेटिंग का, इसके अंदर भी दिया गया। चले अब थोड़ा सा हैंड सेट कर लेते हैं। अब मैं अपने हिसाब से रख लेता हूँ, वैसे आप लोग अपने हिसाब से ये रख लीजिएगा कि कौन से बटन आपको किस जगह कंफर्ट रहता है। ये यहाँ और ये भी यहाँ रख देता हूँ। चले ये तो कोई इतनी चीज़ी, खैर बाकी तो ये आप खुद देख लिया आपको किस तरह कहाँ कहाँ रखना है। तो फाइनली मैंने अपना हैंड सैंड कर लिया है और चलते हैं अपने आगे की जानिब और आगे देखते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या ना। तो ये साउंड सिस्टम वगैरह नहीं चाहिए मुझे। अब ग्राफिक डिस्प्ले में जबकि हम आ चुके हैं तो हमारे पास सबसे पहले डिस्प्ले है जिसके अंदर क्लासिक है, रजिस्टर रियल है, सॉफ्टवेयर है कि ये कोई काम का नहीं है। ऊपर हमें देखा जाता है ग्राफिक क्वालिटी में तो हमारे पास स्मूथ आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, HD आ रहा है, अल्ट्रा HD और एक्सट्रीम HD तक सपोर्ट है मेरे मोबाइल में। और एक्सट्रीम HD में मेरे पास अल्ट्रा चल रहा है, तो ये बात आपको देखना चाहिए कि आपके मोबाइल में कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा हैवी है, इसका स्नैपड्रैगन 855 है इसलिए ये ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम डेली मिशन की जाने जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करती रहती है।
मुझे भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, बीपी भी है, डेली भी है और सीज़न मिशन भी है। पबजी की तरह इसके अंदर मिशन भी दिया गया है, जो कि हम मिशन क्लिक करके अपनी आरपी पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए प्राइम टैग लिखा हुआ है, वो तो ये थोड़ा सा इसका ऐड है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि ये ऐड कौन सा है इसके अंदर। जैसे हमें पबजी के अंदर हर रॉयल पास का एक ऐड देखना पड़ता था, वैसे ही एक ऐड इसके अंदर भी आया है प्राइम टाइम के अंदर। तो ये आ गए हम अपने प्राइम टाइम के अंदर। तो ये देख सकते हैं पबजी के ही रॉयल पास की तरह कुछ ऐसे ही है, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्ड्स वगैरह है, गन्स के स्किन है, मिथिक सूट है, ये आपका बोनस पॉइंट है जो कि आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह कर आप इसमें बोनस पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं है तो इसका मुझे पता नहीं है इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। ये मिशन कार्ड है आपका, ये स्टिकर है आई थिंक, हाँ स्टिकर ही लग रहा है वैसे। और ये क्या है भाई, ये पासवर्ड, कोई एक नया इमोट दिया है जिसका नाम इसने पासवर्ड रखा है। ये एक इमोट है, वो भी जो ये वो रॉयल पास में जो आप खरीदेंगे परचेस करेंगे उसके अंदर है ये सारी चीज़ें। फ्री वाले में तो कुछ इतने ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम चीज़ें हैं। और ये आपका एक सेकेंड इमोट है जो कि हवा में फ्लाइंग कर रहा है। और आगे चलते ही अपने और देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर भी 50 आरपी है, इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आरपी का नाम नहीं दिया गया, इसलिए मैं आपको पबजी ही की तरह कुछ समझा रहा हूँ। तो यार थोड़ा सपोर्ट कर देना, देख लेना कि ये है क्या चीज़। ये आपका तीसरा इमोट आ चुका है इसके अंदर, और तीसरे इमोट के अंदर इसने गन का फैशन दिखाया है। फिर ये देख ही लेते हैं, चलें अब दूसरी चीज़ें। ये क्या है, ये भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा यार, ये सारी चीज़ें गेम खेल के पता लगी। और ये लास्ट में आता है हमारे पास एक गन स्किन और एक मिथिक सूट। ये गन की स्किन तो बड़ी बेहतरीन लग रही है, तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने कलेक्ट कर ली है। अब आगे जब मैं मिशन खेलूँगा उसके अंदर तब पता चलेगा। ये आप देख सकते हैं इसका रॉयल पास कलेक्ट करने की जगह है। इसके अंदर बता रहा है कि आपके अंदर आपको कितना, कम से कम आपको 150 रुपये में कुछ समथिंग मिलेंगे, और 800 बोनस का इसमें प्राइम प्लस है। तो हमें 800 के लिए कम से कम हमें लगाना पड़ेगा 1500 रुपये, तब जाके हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं जो प्राइम है। ये हमारे डेली मिशंस आ गए हैं, बीपी आ गई है, और इसमें से भी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने कलेक्ट कर लिया है, और आगे चलते हैं अब इसको देखते हैं और है क्या क्या। ये इसके साउंड सिस्टम वगैरह है, बाकी ग्राफिक है इसकी, ये हैंड है। आप शायद PSP पे भी खेल सकते हैं इसको, PC पे भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये पबजी के टक्कर का अभी नया गेम आया है, इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। तो आप भी इसको ज़रूर खेल के देखें कि इसमें गेम किस टाइप के हैं। अब चलते हैं थोड़े आगे और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंगें हमें मिल जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि ये पबजी से टक्कर लेने वाला एक वाहिद गेम है। क्योंकि फ्री फायर इतना आगे नहीं पहुंचा था, जबकि ये गेम बहुत कम दिनों में बहुत ज़्यादा डाउनलोडर्स इसके बन गए हैं। इसी के चलते एक मैच प्ले कर लेते हैं हम। और ये गेम मतलब कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इसकी ग्राफिक आप देख सकते हैं, मैंने हैंड सेटिंग कर चुका था, अब आप लोग हैंड सेटिंग कर लीजिए। ये गेम तो समझ से ही बाहर है, थोड़ा खेलेंगे फिर पता चलेगा कि ये गेम है किस टाइप की। अब जल्दी से नीचे जाते हैं, सामान कलेक्ट करते हैं। और ये हमारे आगे बहुत सारी चीज़ें रखी है, बैंडिश वगैरह है, हेल्थ वगैरह है, ये वेस्ट आ गए हैं, हेलमेट है। और ये हमारे आगे कंप्यूटर रख दिए गए हैं, जिसके आप बता सकते हैं कि आपको कौन से प्लेयर्स के साथ निशाना लेना है। आप यहाँ से बंदे सेलेक्ट कर लें, और ये 4-5 सेकंड में शुरू होने वाला है। मुझे गन लेना है, गन कहाँ है, गन ये रही, ये सारी गन यहाँ पड़ी है। इसमें गन के नाम थोड़े से चेंज है ना, तो आप कोई भी गन उठा लें यूज़ के लिए। तो मैं कोई से भी गन यहाँ से ले लेता हूँ और ले लिया, और मेरे सामने एनिमी आ गए। अब मेरी बारी है कि इनको मारने की, चले इनको मार करते हैं। तो बहुत अच्छी लग रही है, उसकी ग्राफिक भी बहुत अच्छी है, और चेक करते हैं हम। अच्छा इसका मतलब दो, एक फायर का ऑप्शन है, दूसरा फायर का भी ऑप्शन है। अपडेट में
का भी ऑप्शन है इसके अंदर। बने हैं और चेक कर लेते हैं अभी ऊपर नीचे भागे जा रहे हैं तो निशाने तो लगी गए नहीं चलो एक तो वापस आ गए कोई बात नहीं कोई बात नहीं वेट करता हूँ। हाँ यार ये ऊपर मज़ा नहीं आ रहा वैसे इसके अंदर यार। आई थिंक मैंने जीत के दूसरा गेम लगा दिया मैंने। इसके अंदर हमें निशाने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम कितने दूर कितने एमएम तक मार सकते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। यार हम अभी 20 एमएम की दूरी पे निशाने ले रहे हैं पे मार दे रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं। 20 एमएम इसको बढ़ा चेक तो मैंने 100 एमएम कर दी तो ये मेरे अंदर नज़र ही नहीं आ रहा हो कहीं 100 एमएम में कहाँ चले गए ये नज़र ही नहीं आ रहा। चलो अब 40 एमएम पे रखे मारते हैं आप अपने हिसाब से रिकॉल जहाँ तक इसके अंदर माइक के भी ऑप्शन है तो इसकी पकड़ी की तरह है। चलो अब इसको लिफ्ट कर देते हैं ना एग्जिट करते हैं वो तो अब जाके इसके दूसरी सेटिंग देखते हैं हम। सेटिंग लिफ्ट ये चीज़ें समझ नहीं आ रही वैसे। चलो लिफ्ट होली का लिफ्ट कर दिया लेफ्ट कर ही दिया। अब जाके हम इसकी दूसरी सेटिंग में रहिए। इसकी मैप वगैरह है बहुत सारी इसके अंदर मैप्स है और क्योंकि अभी सारे हमारे लेवल अप नहीं है इसलिए हमें सिर्फ एक मैप दिया गया है जो कि लेवल 8 पे भी खुलने वाला है लेवल 10 पे भी खुलेंगे। ये इसके मैसेजेस ये हमें कुछ चीज़ें मिली है इसको भी कलेक्ट करते हैं। ये आई थिंक फ्रेम टेम्पलेट है। चलो अब आगे देखते हैं हमें और क्या क्या मिलता है डेली बेसिस पर क्योंकि मैंने ये गेम अभी अपलोड किया तो क्या पता मुझे बहुत सारी चीज़ें मैथिक्स भी मिल सकती है इसके अंदर तो चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं। डेली बेसिस पर जो हमें पबजी के अंदर चीज़ें मिलती थी वो चीज़ें शायद इसके अंदर भी हमें मिल रही है। तो हमें कुछ इमोट्स मिल गए हैं जो कि अभी कलेक्ट करना है हमने डाउनलोडिंग पर लगाए नहीं है इसको अभी डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे को दो पिलर भी दिए जाते हैं इसके अंदर हमारे कवर के लिए। वैसे ये गेम है बड़ा ज़बरदस्त कभी आप पबजी को छोड़ के एक बार इसको खेल के चेक करें और इसके ग्राफिक देखें तो यकीन माने बहुत बेहतरीन गेम इस बार मार्केट में आई है। ये सारी चीज़ हम कलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा आई थिंक नेट का इश्यूज़ आ गया मेरे मोबाइल में सही चल रहा है। कलेक्ट कर लिया है बाहर आते हैं और चीज़ें देख ही लेते हैं। वैसे इसकी आईडी बनानी कोई बड़ी बात नहीं है पबजी की तरह जैसे हमें तब इतना नाम लिख के पबजी लिख कर पबजी मोबाइल लिखना पड़ता था मोबाइल के अंदर इसलिए अब इसके अंदर ऐसा नहीं है। आप फाइनली अपनी फेसबुक आईडी से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी भी फेसबुक कनेक्ट है इसके अंदर इसलिए मेरी पिक्चर भी यहाँ शो हो रही है और मेरे प्लेयर की भी पिक्चर शो हो रही है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।